नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम क्रीम के बारे में। कौन सा क्रीम है आप देख ही सकते हैं कौन सा क्रीम के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ इसमें साल्ट क्या मिला है, क्लोवेटा सोन। ठीक है दोस्त, ये एमोशन क्रीम है, जीएसपी कंपनी की क्रीम है। और आपको मार्केट में कितने रुपए तक यह मिल जाएगा आपको मैं बता दूंगा। आपको यह देखिए, आपको 83 रुपये 85 पैसे का आपको मार्केट मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए आपको मैं बताता हूँ यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, ये देखिए एक्जिमा के लिए फ़ायदा करता है। एक्जिमा है क्या, जो एक्जिमा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। एक्जिमा एक तरह का स्किन डिजीज रोग है। ठीक है दोस्त, स्किन पर जगह जगह पर सूजन, खुजली, दरारे और खुरदरापन हो जाता है। कुछ प्रकार के एक्जिमा फफोले भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, एक्जिमा संक्रमण नहीं होते, वह बहुत से लोगों को एक्जिमा की जगह एटोपिक डर्मेटाइटिस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यह एक्जिमा एक प्रकार का एक आम प्रकार है। एटोपिक शब्द उन स्थितियों के लिए संग्रहित किया गया है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से समस्या होती है। ठीक है दोस्त, जिसमें एपोटिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा और फीवर शामिल होता है। डर्मेटाइटिस शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका क्या मतलब होता है उसको मैं बताना चाहूँगा। डर्मेटाइटिस शब्द का मतलब होता है स्किन में सूजन और लालिमा। ठीक है दोस्त, चलिए अब यह स्किन इन्फेक्शन के लिए भी फ़ायदा करता है। स्किन इन्फेक्शन क्या बताना चाहूँगा, आपकी त्वचा रोगाणुओं को बचाने का काम करती है, लेकिन कई बार खुद ही रोगाणुओं से संक्रमित हो जाती है। यदि त्वचा पर कोई कट या खरोज लगा हो तो आप स्किन इन्फेक्शन हो सकता है आपको। त्वचा में कट या खरोज लगे के मुख्य कारण भी कुछ इस प्रकार है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। त्वचा पर किसी तेज धार धातु से चोट लगना, टैटू बनवाना, कान या नाक छिदवाना, कीट का डंक मारना या जानवर द्वारा काट लेना, आपकी त्वचा संक्रमित हो सकती है इन सभी से। ठीक है दोस्त, तब आपको त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली या पस निकलने लगता है। इसके कुछ ये सब कुछ लक्षण हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताते हैं ये सोरासिस के लिए फ़ायदा करता है। सोरासिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। सोरासिस एक प्रकार का त्वचा विकार है। ठीक है दोस्त, जिसमें त्वचा पर लाल परत चकते दिखाई देते हैं। सोरासिस एक संक्रमण रोग नहीं है, यह बार बार होने वाली बीमारी है जो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्त, सोरासिस को एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया से चिन्हित किया गया है। ठीक है दोस्त, शरीर में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को गड़बड़ी को इसका कारण माना गया है। ठीक है दोस्त, हमारी त्वचा पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए लगभग 28 दिन का समय लेती है। लेकिन सोरासिस से पीड़ित व्यक्ति त्वचा का निर्माण 5 से 6 दिन में त्वचा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है दोस्त, और इससे कोशिकाओं का जमना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इसको जो है कि प्रयोग कर सकते हैं, और दिन में 2 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए और अधिक अगर आपको अधिक इस रोग से, इन सभी रोग से अगर आप अधिक ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेके इसको कैसे किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है उसको ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि ये स्किन वाली बात है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताते हैं इसका साइड इफेक्ट। हालांकि कुछ साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बताना चाहूँगा इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से लाल चकते निकल सकते हैं और इन्फेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली और जलन भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बिल्कुल नहीं भूलिएगा दबाना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप किसी भी वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बारे में वीडियो तुरंत लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्त, मैं बताना चाहूँगा मेरे माध्यम से बताया गया किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई है। अब कोई भी दवा, आपको फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।